नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरोहा टीवी। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। अमरोहा के ग्रामोदय इंटर कॉलेज में अब प्रधानाचार्य ही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, जहां बच्चों के मिड डे मील के भोजन में पीले चावल को परोसा जा रहा है, जहां साफ तौर पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ अब प्रधानाचार्य ही खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। अमरोहा में अब स्कूल के प्रधानाचार्य बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, ग्रामोदय इंटर कॉलेज के अध्यापकों ने कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ कई संगीन आरोप लगाए हैं और अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जहां ये आरोप ग्रामोदय इंटर कॉलेज गंगेश्वरी के प्रधानाचार्य छोटे लाल और आदर्श इंटर कॉलेज कुटी दौलतपुर के पूर्व प्रधानाचार्य बिहारी सिंह कन्या इंटर कॉलेज रेहरा के डायरेक्टर ब्रह्मदत्त त्यागी की DIOS अमरोहा रामाज्ञा कुमार को घूस देकर प्रबंध समिति खारिज कराने का ऑडियो सामने आ चुका है। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या खुशखबरी है? बिजी तो ना हो? ना ना ना, मैं जंगल में था। अच्छा, संजीव कुमार जी से बात हुई है? रात जब बुलाए थे ये, दयाल साहब ने बुलाए थे। अच्छा, दयाल साहब बोले भाई कितने पैसे दिए हैं प्रिंसिपल ने? बोले जी 60 तो दे दिए वहाँ के JD के। अच्छा, और एक दे दिया आपके कार्यालय में। तो बोले अच्छा, बोले ठीक है, मैं जो है बाबू को बुलवा के उसे असलम को मैं लेटर बनवाता हूँ। अब साहब उन्होंने कही होगी इनसे असलम बाबू से? तो लेटर अभी आज भी बात भी करी थी अभी, तो असलम बाबू ने कहा भाई पैसे दिलवाओ उनसे, मैं इतने में नहीं करके दूंगा, 3 लाख रुपए दिलवाओ, एक दे दिए हैं। तो मैंने तो ये कह दिया, मतलब भाई संजीव कुमार मतलब बात क्या है यार, ये तो उनसे भी ज्यादा ले रहे हैं। तो बोले ये चाहते हैं कि मुझे और ज्यादा हिस्सा हो। असलम चाह रहा होगा ना? असलम ही तो। तो अब असलम कह रहा जी 3 दिलवाओ। उसका कहना सके वो, तो 1 लाख कोई सुहा से बात हो गई है? तो फिर मैं बोला जी तुम पैसे ला दो, तुम खत्म करो, हम ब्याह साहब से कह के करवा लेंगे। असलम बाबू से पैसे ले आओ। उन्होंने असलम बाबू से बात करी, बोले तो एक ही मुझे दो, अब ये कहना है अभी जो डियास को दिए वही मुझे दो। डियास को तेरा क्या मुकाबला? ये देखिएगा, मैंने 20-25 को कह दी, मैंने मैंने 20-25 दे देंगे हम, कल को ले लो। इसी वजह से पहला गया था, सरकार ही ना देख रहा है, सरकार किसकी है क्या है ना जी। ये देखिए साहब, मैंने संजीव से कहा देखो भाई हाँ ना मैं जवाब ले लो उनसे, बात कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो हम अपने स्तर से कराएंगे। सही है, मतलब उन्होंने कही उनसे फोन करा दो तो हमने वो काम भी करा दिया। तो संजीव कुमार जी बोले ठीक है, मतलब या तो पैसे उठा लिया ना, अगर कराना पैसे आ जाए तो ढिल्लो से फोन करवा दो। हो जाएगा तो ना, क्या हो जाएगा और क्या, और बात हो जाएगी सर, 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। बस ऐसी ऐसी कहना करना फिर, मतलब देखो 20-25 और ले मैं तो मुझसे कर ले जाओ और काम कर दो मेरा, अन्ना करना हो, मतलब मुझे लाभ भी तो है, लाभ तो आप लोगों को है। हाँ भी मतलब मैं बताओ कि तुक भी है यार भी। तो ये चीज कर रहे हैं ये असलम बाबू। असल में आपने जो सीधी बात नहीं करी डिया उससे, डिया से कहता लेटर बनाया कला भाई, तो उन्होंने तो कह दिया हाँ कर दिया वो इनसे संजीव जी से, तो लेटर बनाया बनावा लेटर। हाँ, तो उन्होंने एकदम फोन कर दिया वो गंगेशी वाला प्रखंड जो है कमेटी वाला, उसके सूचना लाओ बना के, लेकिन बयान हो गए हैं तो बोले ठीक है जी मैं बनाता हूँ। आप ये कह रहे हैं इतने, आप कह रहे हैं इतने ही मुझे दिल वो यार, दिमाग खराब हो रहा क्या? संजीव की मिली चल रही है? संजीव की मिली भगत चल रही है कुछ, मुझे तो ऐसे लग रहा।
मैंने कह रहा संजीव मुझे कहला मैं तो हम तो यार तुम्हारी वजह से मर रहे तो और तुम्हारे चक्कर में हम तो यार सीधे कराते कर बोले अच्छा आज आज का टाइम दे दो मुझे संजीव कुमार जी बोले मेरा तो तुम अभी चले जाओ बोले ना आप शाम को मिलेंगे मुझे मतलब छुट्टी बात ना कल को ऐसी करेंगे फिर और क्या होगा एक लेटर बना देगा बात कह दियो हाँ ऐसा 3 लाख रुपए मांग रहा दिया सो कहियो मत ना साहब ये है देखो अभी नहीं देख रहे हैं पेड़ों पे तो हल लाए क्या कैसा कैसा कर रहे हैं हम लोग कुछ सीमा भी हो गया कुछ सीमा भी हो गया कोई ये है अब मैंने कह दिया संजीव मतलब अपने भाई अपना काम कराना हो तो इनसे करवाओ इतने में नहीं नहीं तो छोड़ो करेगा और क्या अब भैया अगर 3 मैं दूंगा तो भैया मैं तो ठोक कर करूंगा फिर मैं दूंगा क्यों 3 मेरा क्या काम है 3 का कोई है मतलब 50 का होता है आपने गलती करेगा आपने सीधी डायरेक्ट से बात करी नहीं डिया से बात करते डिया का लेटर लाया गया डिया को तो इन्होंने कह दिया मैं उनकी तो मिट पे छोड़ दो तुम अभी कोई हद ये बातें क्यों आ रही हैं हमने करवाया राशि को दिए 10,000 रुपए और एक डिया को दिए थे हमने आप एक काम संजीव से बात करियो ऐसा आज करने तो क्या करते हैं ये चलो है ने कल करते हैं इनसे बैठ कर बात बिल्कुल चल चलो कल इनसे करो और उनसे नगला वाला से करो ये मेरा क्या मतलब है बिल्कुल जी बिल्कुल मैं तो बेकार तुमने जा दिया बेकार में उस समय मैं तो पैसे वापस ले रहा हूँ ये लोग भी ना समझ रहे ये सोच रहे हमारा आप एक पैसा ना जावे भैया तो लेकिन बात है समझ नहीं आ रही ना इनके आ रही ना कुछ ना आ रही तुम्हारी जो ना वो है तरह बता बता रहे बात क्या है मेरे से एक बात लग रही है तेरे प्रचार ये कहते यार तुम काम पे इतने नहीं हो रहा ठीक है और ये सोच रहे होंगे भाई हमसे फिर ना देने के या तुम हमसे कह दे मैं इसे तुम झेल लो बाकी को तो हम उस समय ना देने के हैं कुछ ट्रांसफर पे हाँ तो भाई बाकी तो हमने झेले थे हाँ काम तो इतने भी हो रहा और उसको मना ना कर रहा हूँ और डायरेक्ट मिलो कल को अगर ही ना करें ना ठीक है मैं डायरेक्ट मैं तो कल को छुट्टी ले रहा हूँ मैं तो जाऊँगा उनसे मिलूंगा साहब करो साहब आपको कह दिया हमने अगर वो ऐसा सब आता ना ढिल्लो ढिल्लो साहब हमारे हवा ठंड हो जाएगी इसकी बिल्कुल ढिल्लो तो बहुत इस मामले में वो है मैं तो सारी बात बता दूंगा उनसे तो संजीव क्या है आपको बता दें कि इस पूरे मामले में विभाग चुप्पी साधे हुए है जहां विद्यालय निरीक्षक के ऑफिस में तैनात असलम का जिक्र किया जा रहा है जो पैसे की डिमांड कर रहा है जब अमरोहा टीवी ने पूरे मामले की जांच की तो मामला सामने आया कि स्कूल में भी मिड डे मील के भोजन में घोटाला किया जाता है जहां अध्यापक के साथ साथ बच्चों ने भी आरोप लगाया कि बच्चों को दूध और फल नहीं दिए जाते हैं वहीं आपको बता दें कि कुछ अध्यापकों ने प्रधानाचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि स्कूल नहीं आने पर भी कई अध्यापक ऐसे हैं जिनकी हाजिरी बन जाती है जहां बच्चों की भी हाजिरी बनाने का दबाव अध्यापकों पर डाला जाता है ताकि मिड डे मील के पैसे स्कूल में दी जा सके और ऐसा न करने पर एससी एक्ट में फंसाने की धमकी भी देते हैं प्रधानाचार्य आपको बता दें कि पहले भी अध्यापक के खिलाफ प्रधानाचार्य ने थाने में तहरीर दी थी वहीं ग्रामोदय इंटर कॉलेज गंगेश्वरी के प्रधानाचार्य छोटे लाल के खिलाफ आपको बताते चले कि करीब 8 से अधिक अध्यापकों ने संगीन आरोप लगाए हैं देखने वाली बात होगी कि मामले का संज्ञान कब लिया जाता है न्यूज डेस्क अमरोहा टीवी